अरे मोबाइल नीचे करो, मोबाइल नीचे करो, ठीक मोबाइल नीचे करो, पत्रकार नीचे कर रहे मोबाइल पर देख। अच्छा मगर लिखित में नहीं देंगे, मगर हम लिखित में नहीं, पांच चार 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 ना कह दी, चार पांच नहीं, चार चार पांच। एक आपने कम कहा ना, नहीं एक मैंने कहा, एक आदमी ने करा जरूर कहा, तीन कर लीजिए भैया, चार करा क्या कुछ निकल के आया है सर? क्या बैठक बांबाड़ा स्टेट में जो बैठक हुई है मियां साहब के साथ हुई है, और जो आपके अब्दुल्ला साहब हैं उनके साथ भी बैठक हुई है, तो कुछ मुतवल्लियों का ये कहना है कि जुलूस में ऊँट को अलाउ कर दिया जाए सीमित क्षमता में, चूँकि ये प्रतिबंध कई जनपदों में लगा हुआ है, तो इसके संबंध में निर्णय जिलाधिकारी और एसपी साहब के साथ बैठकर लिया जाएगा, उसके संबंध में एक बैठक आयोजित की जा रही है। सर जैसा कि सीमित संख्या में ऊँट रखने की बात की जा रही है, तो जो सीमित संख्या में सर क्या खतरा है, और जो परंपरागत रूप से ऊँट रहते थे उससे क्या क्या कुछ सर किस वजह से ये निर्णय लिया गया? ऊँट भी एक पालतू जानवर की श्रेणी में नहीं आता है, और शोरगुल और जो भीड़ भाड़ में रहने का आदि नहीं है, वो एक जानवर ही है, और उसके व्यवहार में किसी भी तरह उसकी एक्टिविटी में अप्रत्याशित परिवर्तन हो सकता है, और उससे जनहित और उस किसी को भी नुकसान हो सकता है, चोट भी लग सकती है, जान भी जा सकती है, वो आखिर एक जानवर है, उस पर नियंत्रण थोड़ी है, वो लॉ एंड ऑर्डर, और वो थोड़ी वो जानता है कि क्या करना है। मीटिंग में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, उसकी एक लिए बैठक तय की जा रही है, उसके बैठक के बाद ही निर्णय होगा। सर कल परंपरागत जुलूस निकलेगा मियां साहब का, तो ऐसे में सर कब तक फाइनलाइज करेंगे आप लोग? आज ही फाइनल हो जाए। थैंक यू।